हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं यार। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सरेकला, उसके बाद खरसवां भी जाऊँगा कुछ काम से। आप सभी लोगों को इस बहाने बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है? क्योंकि सरेकला और खरसवां में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सभी लोग शायद नहीं पता है, उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. हेलो एवरीवन, अभी हम कोलावेरा पहुंच गए हैं और इधर देख सकते हैं इधर बैंक ऑफ इंडिया है और इधर काफ़ी सारा दुकान भी है इस साइड में, ठीक है? रोड के किनारे अभी हैं और वो साइड में आपका गोड्डा मोबाइल का दुकान है जो कि सेकंड हैंड मोबाइल बेचते हैं, बट अभी हम लोग वहाँ जाने वाले नहीं हैं, कुछ काम नहीं है, ठीक है? अभी यहीं पे थोड़ा देर वेट करते हैं और यहाँ गाड़ी को देखते हैं। आप सब लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, ओके? हम फाइनली गाड़ी के अंदर में बैठ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे है गाड़ी के अंदर में। यार बाकी बहुत मुश्किल से मिला यार, तभी से धूप से परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा धूप है। और आप सब जब भी कहीं भी निकलेगा थोड़ा सुबह टाइम निकलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप तेज हो गया है। अभी हम सिनी मोड से है, सिनी मोड क्रॉस कर लिए हैं, ये सिनी मोड से थोड़ा सा बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सरेकला और फिर वहीं पे हम लोग को भेंट होगा, ठीक है? आप सब लोग वीडियो पे बने रहिए, ओके? सरेकला हम पहुंच गए हैं और ड्राइवर साहब को पैसा भी दे दिए, ठीक है? और फिर गाड़ी बहुत सारा चल रहा है तो चलिए अभी हम लोग भी चलते हैं और एक गाड़ी पकड़ना है, ठीक है? अभी यहाँ सरेकला से हम लोग खरसवां के लिए गाड़ी पकड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग खरसवां पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट गाड़ी मिलता नहीं है। वो मिलता है लेकिन वो सुबह का टाइम में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये आपका सरेकला का चौक है, आपको यहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जितना भी गाड़ी आपको मिलता है, चाहे बसा जाने के लिए, सरेकला जाने के, खरसवां जाने के लिए, या फिर टाटा जाने के लिए, गम्हरिया जाने के लिए, आपको यहीं से आपको मिल जाएंगे। ये वाला गाड़ी जो है ना, ये टाटा जा रहा है, ठीक है? ओके तो दोस्तों, अभी मेरा भी गाड़ी अभी है उधर खरसवां के लिए, गाड़ी तो लगा हुआ है, चलिए हम जल्दी से चलते हैं और जाके गाड़ी में बैठे ना तो वो भी चल जाएगा, ठीक है? अब देख सकते हैं वो साइड में गाड़ी है, ये आपको खरसवां के लिए लगा हुआ है। चौक के सामने जो है ना एक मंदिर भी है और ये बहुत पुराना मंदिर है, ये साइड में जो है ना देख पा रहे हैं ये संतोषी माता का। ये जोश आपको ये साइड का यम है, ये चौक के बगल में है, ठीक है? और भी काफ़ी ज़्यादा मंदिर है बट अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बस भी छूटने वाला है, ठीक है? खरसवां के लिए बस लगी हुई है तो चलिए सरेकला का इतना ही आपको दिखा पाएंगे, अब खरसवां जाने के बाद वहाँ का कुछ आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ये रहा बस, यहीं पर लगा। हेलो एवरीवन, अभी हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप लोग दिख पा रहे हैं इधर काफ़ी अच्छे लोग भी बैठे हैं और सीट भी मिल गया है अभी, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद ही चलेंगे। अभिजीत कंपनी के बारे में शायद आप सभी लोग जानते हैं, जो कि अभिजीत कंपनी काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है और अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इसी के सामने आप ही हैं, अभी थोड़ा देर में क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है? आपका अभिजीत कंपनी है, ये जो फर्स्ट वाला गेट के साइड वाला बिल्डिंग सब बना हुआ अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है, बहुत साल बंद पड़ा है ना, इसलिए पता नहीं कब स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये जो कंपनी है अभिजीत अर्जुन मुंडा का बेटा का नाम से खुला गया था, उसका नाम से मतलब उसका है ना, उसका नाम से खुला गया था, ठीक है? अभी बंद पड़ा है कुछ कारण से, पता नहीं स्टार्ट कब होगा, ये तो ही जाने। और इधर देख सकते हैं पूरा बंगर बना हुआ है, कुछ काम करने या सारा चीज में बर्बाद हो गया, ठीक है? बाउंड्री टूटा फूटा। दोस्तों, ये जो अभिजीत कंपनी है ये बुरुडी में है, जो खरसवां रोड में स्थित है, और बुरुडी से थोड़ा सा आगे में बुरुडी फाटक है, जो कि वहाँ भी बहुत बड़ा एक पुल का निर्माण हो रहा है और उसके सामने एक क्या बोलते हैं श्री सीमेंट का भी एक कंपनी है, आगे जाके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बुरुडी के सामने अभी है और यहाँ का जो ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है किस प्रकार है अभी रेडी हुआ नहीं है, ठीक है? काफ़ी समय लग गया है, अच्छा से रेडी नहीं हुआ है, अभी गाड़ी चल नहीं रहा, ठीक है? बहुत बड़ा ओवरब्रिज है, अभी हम लोग नीचे से जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है? ओवरब्रिज क्रॉस करके और थोड़ा सा आगे में आपको रेलवे फोटो मिल जाएगा देखने के लिए। और दोस्तों, यहाँ इसके सामने जो श्री सीमेंट का फैक्ट्री लगाया हुआ है, अभी नया बना है, ठीक है? वो इस प्रकार है, इस साइड में बना हुआ है, ठीक है? हाँ, ये दिख रहे हैं, और इसके ऊपर से आपको ओवरब्रिज दिखने को मिल रहा है।
और जस्ट इसके थोड़ा सा आगे में यहाँ जो क्रॉसिंग रेलवे का क्रॉसिंग है फाटक, ठीक है, ये फाटक है इस साइड में, ये आपको फाटक है, फाटक से जस्ट बगल में ये टाटा वाला रूट है, ठीक है, टाटा वाला टाटा रालकुआ से टाटा, कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो गेट है, गेट उसका राइट साइड में है, वो आगे साइड में है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज काफी अच्छा ऑसम लग रहा है। ऊपर से फ्लाईओवर जाना पड़ेगा, काफी मजा आएगा, ऊपर से गाड़ी पार हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, जो है ना ऊपर में बना हुआ है, नीचे से जो रेलवे का जो फाटक है उसके उसको देखते हुए ऊपर का फ्लोर बनाया है, तो आने जाने में जो दिक्कत होता है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ जब रेडी हो जाएगा तो ऊपर से गाड़ी पार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो पे बने रहिए, अभी थोड़ा इसको पैसा देते हैं ड्राइवर साहब को, ठीक है, प्लस खासवा भाड़ा आपको 40 रुपया ले जाएंगे दे रहे हैं, टिकट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 10 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप मिलते हैं खरसवा में, ओके, आप सब बने रहिए इसे। हेलो एवरीवन, अभी हम फाइनली खरसवा पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये वाला गाड़ी जो है ना, इसी गाड़ी से हम अभी आए हैं, और ये साइड में आपका चांदनी का चौक है, चांदनी का चौक जो कि ये साइड में हम लोग का जो रूट है, ये साइड में आपका जाता है हाई स्कूल, और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपका ये है चांदनी चौक है, ठीक है, इसके अगल बगल में बहुत सारे दुकान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये साइड में जो है ना आपका ऊंचाई रोड जाएगा, और इसके साथ जो आपको देखते हैं इसके ये साइड में जो आपका राजकसवा रोड है, ठीक है, ये आपका राजकसवा से जाता है और ये आपका इधर ऊंचाई जाएगा, और ये आपका आपका हाई स्कूल जो खसवा का जो हाई स्कूल है ये साइड में आपका चल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब हम इसी जगह पर लोकेशन पर आए हैं, और इसके साथ और भी क्या क्या है, इसके कपड़ा का दुकान भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी भाई आने वाला है, भाई आने के बाद ही हम लोग कुछ दूसरा जगह जाएंगे, ठीक है, इससे तब तक हम यहीं पे रहेंगे, तब तक आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए, ओके। हेलो एवरीवन, अभी फाइनली भाई पहुँच गया है, आप सभी लोग को बताए थे कि भाई आने वाला है लेने के लिए, तो ये है सुखराम जी, और सुखराम कैसा है, पहुँच गए हैं, अभी इसी के साथ जाएँगे, और आपको बता दें यहाँ खरसवा में हम लोग का गुरुवार और शनिवार दिन मार्केट भी लगता है, तो जैसे हम उसके सामने हैं आपका ये साइड में मार्केट लगता है, ठीक है, ये साइड में मार्केट लगता है, अभी भी इधर साइड में सब्जी वब्जी बहुत लाए हैं, इधर देख सकते हैं ये साइड में, और चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं अंदर जाके कि यहाँ मार्केट का जो ग्राउंड है कितना बड़ा है, और ये गुरुवार का दिन ज़्यादा लगता है, और शनिवार का दिन में खासकर आपका भेड़ बकरी सब ज़्यादा मिलता है, तो इसी यही ग्राउंड है, इसमें आपका गुरुवार और शनिवार दिन मार्केट लगता है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका जो ग्राउंड है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ होता होगा इसमें, ठीक है। तो अभी फाइनल चलते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खरसवा में जो सत्तू का दुकान एक दिखाएंगे, ठीक है, बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छा बनाते हैं सत्तू का दुकान, अभी जाके वहाँ हम लोग पीने वाले हैं, ठीक है, आप सभी लोग इसे बने रहिए, ओके। तो अभी फाइनली यहाँ बरगद पेड़ के नीचे जो चांदनी चौक है इसके सामने एक सत्तू का दुकान भैया बेचते हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, जब भी आइएगा एक बार पी लीजिएगा, ठीक है। अब यार सत्तू का दुकान, सत्तू कैसा है, 20 रुपया, 30 रुपया गिलास आपको मिल जाएंगे, जब भी आइएगा यहाँ एक बार मिल लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, 15 करके, अच्छा 15 रुपये गिलास में भी आपको मिल जाएंगे, तो अभी फाइनली थोड़ा पीते हैं, जब भी आते हैं एक बार पी लेते हैं इसके यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सुखराम ये करें, अच्छा ठीक है, ओके, आप सब लोग इसे बने रहिए, ओके। दोस्तों ये मेरे पास अभी आ गया है सत्तू, ठीक है, इसमें नींबू उबू काफी क्या क्या सब मिक्स किए हैं, देखते हैं, वाओ प्याज व्याज मिर्च उर्चा काट के दिए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। पीने के बाद कपड़ा से लेके बहुत कुछ सामान मिलता है यहाँ पे, दुकान भी बड़ा बड़ा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर काफी बड़ा बड़ा दुकान सब भी है, यहाँ कपड़ा वपड़ा भी मिल जाएगा,
तो मैक्सिमम आपको जो भी जरूरत का सामान है यहाँ मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।